एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यहाँ पे सरस्वती पूजा की तैयारी चल रही है, तो यहाँ पे मेरी दीदी थाल तैयार कर रही थी और सारा चीज़ मेरी दीदी ने किया था, मैं आपको बता दूँ। और मैं यहाँ पे सिर्फ पूजा कर रही हूँ। तो एज़ यू कैन सी दैट मैं सारे अपने जितने भगवान वहाँ पे मैंने रखे हैं, हमारे घर पे हैं, मैं सबको टीका लगा रही हूँ, जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं उस तरह पूजा कर रही हूँ। सरस्वती पूजा क्यों किया जाता है ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो देवी हैं विद्या की, विद्या के लिए किया जाता है। आप एक दिन होता है सारे भगवानों के लिए, एक दिन होता है तो पढ़ाई के लिए भी एक दिन होता है, ऐसा मेरा मानना है या किसी और का मानना। मैंने कभी किसी से पूछा नहीं कि क्यों होता है। जितना मेरे नॉलेज में है कि सरस्वती पूजा आप अपने पढ़ाई के दिन को देते हो, और उस दिन मतलब बोला जाता है, या तो मैंने बचपन से सुना है कि उस दिन पढ़ना नहीं चाहिए। मतलब क्यों यार, जिस दिन पढ़ाई का दिन दिया जाता है उस दिन पढ़ना क्यों नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं पढ़ती तो वैसे भी नहीं हूँ, तो और क्या पढ़ूँगी। तो यहाँ पे और आप जो बताइएगा ज़रूर कि आपने अपना सरस्वती पूजा किस तरह से सेलिब्रेट किया। मुझे तो बहुत मज़ा आया। 2020 का मेरा बेस्ट डे था कल का, सीरियसली। मतलब कल एक ऐसा दिन था जिस दिन मैंने इतना कुछ किया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ यार। मतलब मैंने व्लॉगिंग तो मतलब किया ही नहीं, घर पे जितना ही पूजा पाठ का किया बस। उसके बाद कोई प्लान था नहीं कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है। मेरी फ्रेंड आई, उसके साथ मैंने ब्रेकफास्ट किया, ओके ठीक है, एक आई उसके साथ ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर यहाँ से घर से निकली, ठीक है। फिर शाम को एक दूसरी फ्रेंड लेके आई, उसके साथ मैंने लंच किया। बोले यार इतना अच्छा मेरा दिन था, एक दिन में दो दो फ्रेंड्स के साथ, वो भी मेरी BFF के साथ, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मैंने इतना अच्छा दिन स्पेंड किया। और इसके बीच में जो भी घूमने गई थी बहुत मज़ा आया, सीरियसली। कुछ टाइम, बहुत दिन बाद ऐसा मेरे लाइफ में 2020 में आया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी। और मतलब वो टाइम स्पेंड करना ना फ्रेंड्स के साथ, उसका एक अलग ही क्रेज़ है, अलग ही मज़ा है, जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है। आप ज़रूर बताइएगा आपने अपने सरस्वती पूजा में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए और किस तरह से स्पेंड किया। तो चलिए मैं क्विक से आपको बता देती हूँ कि मैं तैयार कैसे हुई थी। सो सरस्वती पूजा के दिन येलो ड्रेस पहनना चाहिए, है ना। तो ये मेरे पास पीली कुर्ती थी, आपने एक और मेरे वीडियो में देखा होगा, तो मैंने इसी को वेयर कर लिया था। और मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, फिर यहाँ प्राइमर लगा रही हूँ। आजकल ऐसा क्या हो रहा है ना, मैं CC क्रीम भी लगा रही हूँ ना बिना प्राइमर के, तो मेरा स्किन में ना मतलब वो बम्स नहीं बन जाते हैं रेड रेड के, वो हो जा रहे हैं, तो मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैं अब तो प्राइमर कभी स्किप ही नहीं कर रही हूँ, कुछ भी लगा रही हूँ उससे पहले प्राइमर ज़रूर लगा ले रही हूँ। हाँ, मम्मी से बात कर रही थी, सब तैयार हो गए थे, मैं नहा धो के आराम से तैयार हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने नॉर्मल सी लैक्मे की CC क्रीम लगाई है, कोई ख़ास मेकअप नहीं किया था, बस एक बेस के लिए बहुत ही हल्का हल्का मैंने लगाया था, अपने हाथ से ही ब्लेंड करी, कुछ स्पॉन्ज कुछ यूज़ नहीं किया है, 30 मार खान वाला काम एकदम साइड में बिना कुछ किए धीए। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर रही हूँ लिप बाम से। और आप बताइएगा ज़रूर कि आप कैसे रेडी हुए थे, आपने क्या किया था, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सॉरी फॉर दैट कि आपको वीडियोस बहुत लेट मिल रहे हैं, इतने सारे गैप्स हो जा रहे हैं, क्योंकि यार मेरा मुझका जो छाला है उसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अब मैं बोल नहीं पा रही हूँ तो वीडियोस कैसे दूँ आप लोग को, इसीलिए अब छाला कुछ हद तक ठीक हो गया, आपको वीडियोस मिलेंगे प्रॉपरली। तो आपने देखा कि मैंने जो मेरा काजल है उसे अपने अपर लैशेस पे टाइट लाइन किया, और उसे हल्का हल्का लेकर के एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसे मैं अच्छे से मैस कर दे रही हूँ ताकि अच्छा लगे स्मोकी टाइप का। और फिर सेम काजल से एकदम हल्का हल्का सेम ब्रश से मैं अपने आईब्रोज़ को फिल इन कर ले रही हूँ, एकदम बिल्कुल लाइट नेचुरल, और बहुत अच्छा था ये, मतलब कि क्विक सा नो मेकअप लुक। उसके बाद मैंने वाइट काजल लगाया, मुझे ब्लैक पसंद है क्योंकि ब्लैक लगाने से क्या होता है ना, मेरे अंडर आई एरिया पूरा ब्लैक लगता है, अलग ही बिल्कुल नहीं अच्छा लगता वो, बहुत दिन तक फिर उसी तरह काला रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता है मुझे बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मैं अपने ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ,
और अपने नोज़ को भी हाईलाइट कर ली हूँ थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि ये जो है ना वाइट काजल बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप चाहे तो ले सकते हो, ये NYB का है, आपको तो पता ही होगा है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पे, ये मेरा फेवरेट लिप लाइनर है, मैं कॉलेज जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ ना इसे ज़रूर लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये लिप लाइनर का शेड। एक्चुअली ये है NYN का, जो मैंने पैकेट दिखाया था अपने हॉल में, हॉल बोलती हूँ अपने मेकअप कलेक्शन में, उसमें से एक है ये, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसी से अपने लिप्स को फिल इन कर ले रही हूँ, फिर एक कोरल सा लिपस्टिक लेकर के जो मैंने लोकल ब्रांड से लिया है उससे मैं लगाऊंगी। तो ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये क्या था बढ़िया, बकवास यार, कुछ भी, मतलब आपको ब्लूपर्स भी है मिल जाएंगे बिहाइंड द सीन वाला काम। तो ये लिपस्टिक मेरे लग गई, देखिए दर्द दे रहा था मेरा छाला वहीं पे हुआ जहाँ मैंने भी फिंगर रखा था ना वहीं पे, तो सेम कोरल कोरल बिल्कुल हल्का सा ना के बराबर ब्लश, बस नाम के लिए अपने खुशी के लिए कि हाँ ब्लश लगाया था ये वाला काम, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो मैं रेडी हो गई हूँ। और मैं कहाँ घूमने गई थी, ये देखिए आप, मैं कहाँ गई थी घूमने, यहाँ पे मैं गई थी घूमने, यहाँ तक आया वीडियो पसंद आया प्लीज़।